भैया भैया कुछ पैसे दे दीजिए, भगवान आपका भला करेंगे। अबे चल, इन भिखारी के चक्कर में मत पड़, रोने धोने जैसा शक्ल बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तीन चार दिन से कुछ नहीं खाए, कुछ दे दीजिए भगवान, भला करे आपका। भाई ये उम्र तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का है, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते हो? भैया स्कूल जाने के लिए कपड़ा कापी किताब बैग लगेगा, मैं कहाँ से लाऊंगा? ठीक है, अगर मैं तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करा दूँ, बुक ड्रेस सब कुछ दिला दूँ तो पढ़ने जाओगे? हाँ भैया जाऊंगा। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज। ये बैग पकड़ो, इसमें किताबें हैं, और वो स्कूल देख रहे हो, कल सुबह 9 बजे पढ़ने आ जाना, ठीक है? और ये 200 रुपए लो, अच्छे से कुछ खा पी लेना और ना धोकर कल स्कूल आना, ठीक है? ठीक है भैया। सुबह से शाम हो गई लेकिन उस लड़के का कुछ पता नहीं चला। चलता हूँ उसकी जगह पे, देखता हूँ, यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ चला गया। अरे रुक रुक, इतना परेशान क्यों है? उस भिखारी को जाने जिसका तुमने कल मदद किया था। हाँ भाई। चल मैं तुमको उससे मिलवाता हूँ। आप चला स्कूल पढ़ाई लिखाई डाब। देख इसे, मैंने अपने आंखों से देखा, कबाड़ी वाले के पास ड्रेस किताब जूता सब कुछ बेच कर वहां से पैसे लेकर के दारू खरीद के यहाँ पे पी रहा है। तेरे जैसे अच्छे लोग लाख कोशिश कर ले, लेकिन इन जैसे बुरे लोग कभी नहीं सुधरने वाले हैं। थू भैया, भैया भैया इस भिखारी को कुछ खाने पीने को पैसा दे दो, भगवान आपको भला करेगा। दे दो दारू को बोतल कांगो। ये तो सच में दारू पिया हुआ है। घर बुला, मिल गया मेरी जान दारू बोतल। हमारे देश में ऐसे हजारों भिखारी हैं जिनकी जिंदगी बद से बदतर है। आप लाख कोशिश कर लो लेकिन वो नहीं सुधरने वाले हैं, क्योंकि जैसे हम अच्छी जिंदगी जीना पसंद करते हैं, ठीक वैसे ही वो लोग बुरी जिंदगी जीना पसंद